जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है? तो हम लोग, आप सब जानते हैं, मेरी एक सीरीज चली हुई है दैट इज़ बेस्ड ऑन पजल। और पजल में हम लोगों ने जो पहला टाइप चुना है दैट इज फ्लोर बेस्ड पजल, जहां पे मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करके बिल्कुल एंड तक लेके जा रहा हूं। आप जीरो लेवल का क्वेश्चन भी देख ही चुके हैं कि हमारा जीरो लेवल का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो RRB, IBPS, IBPS आपका क्लैरिकल, IBPS आपका क्या बोलते हैं PO, और आगे मूव करोगे तो SBI और बहुत सारे एग्जाम में आपकी मदद करने वाला है। तो यहाँ पे आप मेहनत कीजिए, बने रहिए मेरे साथ, और इन क्वेश्चंस के लिए जो आपको करना है दैट इज बेस्ड ऑन हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन अपडेट किए जाते हैं, रीजनिंग विद प्रशांत। जो हमारा चैनल है दैट इज रीजनिंग विद प्रशांत, और बात करेंगे जब रीजनिंग विद प्रशांत की तो आपको उसे ज्वाइन करना है। आपको डेली सुबह के टाइम पे क्वेश्चन मिला करेगा और ऑलमोस्ट 3 घंटे बाद, कभी भी उसके 3 घंटे के बाद आपको वीडियो मिला करेगी। आपका भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को शेयर कीजिए वहां पर और मैं आपसे रूबरू होऊंगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो बेफिक्र रहिए, जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए तो फिर इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। कहता है 8 persons PQRS JKL ओके एंड M, ठीक है बच्चों? तो यहां पे PQRS JKL M हमारे सामने है। इसके बाद वो कहता है कि डिफरेंट फ्लोर्स पर रहते हैं और वगैरह वगैरह, जो इंफॉर्मेशन हमेशा से चली आ रही है, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओके, ओनली 2 persons लिव बिलो द फ्लोर L, जहां पे L रहता है उसके नीचे 2 ही persons रहते हैं। और आगे मूव करता हूं तो कहता है दैट इज ओनली 1 person लिव्स बिटवीन L एंड P, L और P के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति रहता है, खुशी की बात है हमारे लिए। और आगे चलो तो कहता है M lives on odd number floor but that is not 7, जो कि 7वां फ्लोर नहीं है। ओके, ओनली 2 persons lives between M एंड Q, M एंड Q के बीच में सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, Q does not live on top most floor, Q top most floor पर नहीं रहता है। एक बार क्वेश्चन को पक्का रीड आउट कर लिया करो थोड़ा फास्ट, क्योंकि मैं तो आपके लिए पढ़ रहा हूं तो बड़े आराम से पढ़ रहा हूं। P does not live on lower most floor, ठीक है, P ने मना कर दिया है lower most floor पे खड़े होने के लिए। S lives immediately below R, neither S nor J lives on floor number 6. तो क्वेश्चन आपके सामने तैयार है, आ जाइए टेबल देवता। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कहता है ओनली 2 persons lives the floor, live below the floor on which L lives. तो आपको पता चल गया यहां पे L का जगह फिक्स है, L बिल्कुल क्लियर है, L के नीचे सिर्फ 2 व्यक्ति रहते हैं। ओनली 1 person लिव बिटवीन L एंड P, और L और P के बीच में सिर्फ 1 व्यक्ति रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, L और P 1 व्यक्ति रहता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? और L और P पॉसिबिलिटी तो ये भी कहती है कि L और P ऐसे भी हो सकते हैं। चलिए आगे इसी बात पे। M lives on odd number floor but that is not 7. M जो है वो किस फ्लोर पे रहता है? ऑड नंबर्ड फ्लोर पर रहता है, पर वो 7th फ्लोर नहीं है। तो अगर मैं इस फिगर की बात करता हूं तो M जो है वो 7th नंबर फ्लोर पर नहीं है। तो इस केस में हमारा ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि M जो है वो इस वाले जगह पे रहने वाला है। ओके, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे भी मैं क्लियर हूं, दैट इज M 7th पे नहीं है, और इसके हिसाब से M जो रहने वाला है बच्चों वो रहने वाला है इस वाली जगह पर। तो ठीक है, ओनली टू पर्सन्स लिव बिटवीन M एंड Q। अब M और Q के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं और Q does not live on top most floor, तो M और Q के बीच में, अब Q को आप यहां तो बिठा नहीं सकते क्योंकि 2 persons के हिसाब से तो यहां आना चाहिए था। अब इस फिगर से
इस फिगर के हिसाब से अभी आपका Q बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है, P बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है, L बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है और M भी बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है। ठीक है, तो इसी डेटा को दोबारा इसके लिए दोहराते हैं। ओनली टू पर्सन लिव बिटवीन Q, M एंड Q, M और Q, दैट इज Q इस फिगर के हिसाब से यहाँ पे हो सकता है। तो इस फिगर के हिसाब से तुम्हारा जो Q है वो बिल्कुल सही है, M बिल्कुल सही है, L बिल्कुल सही है, P दोनों में से कोई भी फिगर आपका परफेक्ट हो सकता है एट द एंड। P डज नॉट लीव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर, ओ ग्रेट, P को इसने लोअर मोस्ट फ्लोर पर बिठाने से मना कर दिया है, और P को अगर लोअर मोस्ट फ्लोर पे बिठाने से मना कर दिया है तो खुशी की लहर, क्योंकि दो में से एक डेटा हो गया है खत्म। तो ये इस वाले डेटा को अब हम कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कहता है P डज नॉट लीव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर, ओके है। S लिव्स इमीडिएटली बिलो R, S जो है वो इमीडिएटली बिलो R है। नाइदर S नॉर J lives on the floor number 6. अब इसने क्या कहा बच्चे, इससे पहले वाली लाइन, S lives immediately below R. अब R और S आप यहां पे नहीं ला सकते हैं क्योंकि S छठे नंबर पे नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, R और S और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि R और S के लिए हमें क्या करना है, R और S को हमें साथ में लगातार बिठाना है। अब एक और बात है, हमारे पास जो नाम बचा हुआ है वो एक तो J है, और J के बारे में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि J जो है वो छठे नंबर पर नहीं है, तो J का भी क्लियर है कि J यहाँ पे नहीं होंगे, तो J यहाँ पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे हमने पॉसिबिलिटी लेके इस क्वेश्चन को किया, और हमारा सॉल्यूशन हमारे सामने है। हमारे पास R आ चुका है, हमारे पास S आ चुका है, हमारे पास P Q आ चुका है, हमारे पास L J M आ चुके हैं, L J और M हमारे पास आ चुके हैं, हमारे पास जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ K है। तो K को यहाँ पे बिठा दीजिए और आपका फिगर तैयार है। ठीक है, तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में मुश्किल से 2 से 3 मिनट में कवर कर सकते हैं, जो आपका मिनिमम टाइम जो आपको वहां पे देना है, मैक्सिमम टाइम कहिए, दैट इज आपको देना है। तो चलिए डिजिटलाइज्ड हो जाइए फटाफट। आर एस के पी क्यू एल जे एम, जैसा कि हमने किया, आर एस के पी क्यू एल जे एम, ओके। तो क्वेश्चंस आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, Who among the following lives on floor number 6? ये तो पीछे पड़ा हुआ था किसके, दैट इज कौन ऐसा इंसान है जो फ्लोर नंबर 6 पर रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या है, दैट इज K। मेरा दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे पहले शेयर कर चुका हूं मैं, डेली मैं ऐसे ही करता हूं। Who among the following lives on top most floor? टॉप मोस्ट फ्लोर पर कौन रहता है, टॉप मोस्ट फ्लोर पर R रहता है। अगर टॉप मोस्ट फ्लोर पर R रहता है तो R टिक कीजिए और ले जाइए नौकरी के पास, चले जाइए एक कदम और। बहुत बच्चे हैं मेरे बैंकिंग में, तो ना जाने कितने बच्चे हैं, हजारों की तादाद में बैंक POs को मैं जानता हूं, मैंने किया ही यही है। मैं 2008 से रीजनिंग टीच कर रहा हूं आप लोगों को, और जब 2008 से रीजनिंग टीच कर रहा हूं तो न जाने कितने बच्चे जो आज बहुत बड़ी बड़ी रैंक्स पे हैं, ब्रांच मैनेजर हैं या इससे भी ऊपर रैंक्स पे हैं। तो बने रहिए, मेहनत करते रहिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो एम, एम के ठीक नीचे कौन है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो एम, बेवकूफ समझ रहा है, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। M के ठीक नीचे यहां पे कोई नहीं है क्योंकि M सबसे नीचे है, ओके। चलो आगे, एग्जामिनर की इतनी हिम्मत की वो हमें बेवकूफ समझे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ओके। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन S एंड J, S और J के बीच में कितने व्यक्ति हैं। 1 2 3 4, ग्रेट, यू विल गेट 4 इज योर राइट आंसर, सो That is not in your option and your answer will be none of these. Okay, ये कह रहा है एक भी नहीं है। यहाँ पे none का मतलब दो बार none नहीं है बच्चों, none का मतलब है एक भी नहीं है, एक है, दो है, तीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, What is the difference between the floor number P and Q? P और Q के बीच में कितने फ्लोर्स हैं? तो खुशी की बात है, उसने ऑप्शन भी क्या बोलते हैं
अल्फाबेटिक फॉर्म में दिया है न्यूमेरिक फॉर्म ना देके, और आपका फोकस वही खींच रहा है, एंड राइट आंसर इज जीरो। तो बच्चे हमारा देखा आपने 5 क्वेश्चन का सेट, ये हमारा चौथा पजल है। इससे पहले हम 3 पजल पहले सॉल्व कर चुके हैं और ना जाने कितना आगे तक इसे लेके जाने वाले हैं। तो ये जो ना जाने बोला मैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं देखूंगा कि ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं शेयर हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं पूरी ताकत के साथ मैं प्रॉमिस लेके बैठा हूं अपने आप से कि मैं यहां से आपको मोर देन 500 पजल्स कराऊंगा। तो आप लगे बने रहिए, मेहनत करते रहिए, जीतते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपसे मुझे जो चाहिए वो मैं बता चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही, अगले पजल के साथ अगले दिन फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।